चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका की क्या है घातक तैयारी? तुर्की पर क्यों भड़का अमेरिका? कनाडा और चीन क्यों आ गए आमने सामने? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी तैयारी करते हुए न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर SB-1 बनाया है। यूएस का बोइंग SB-1 हेलीकॉप्टर बेहद घातक है। यूएस नेवी में UH-60 ब्लैक हॉक और अपाचे की जगह इसे तैनात किया जाएगा। रूसी नौसेना ने दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए सॉलिड तैयारी की है। प्रशांत बेड़े के विशेष बलों ने हाई स्पीड बोट BK-16 के साथ युद्धाभ्यास किया, जो दुश्मन के किले को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखते हैं। तुर्की के S-400 मिसाइल सिस्टम के टेस्ट से अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने तुर्की को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। अमेरिका के F-16, F-35 जेट के लिए S-400 खतरनाक है। अमेरिका के हथियार मार्केट के लिए S-400 एक चुनौती की तरह है। रूस की वार्निंग के बाद तुर्की को कनाडा से बड़ा झटका लगा है। कनाडा ने तुर्की को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। कनाडा के एक्शन पर तिलमिलाए तुर्की के राष्ट्रपति ने कनाडा के PM को फोन करके हथियार सप्लाई बहाल करने की अपील की। ब्लैक सी में तुर्की से बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रीस ने सेना की तीनों विंग के लिए हथियारों की खरीद का बड़ा फैसला किया है। 18 राफेल फाइटर, 4 नए मल्टी रोल फ्रिगेट्स और 4 MH-60 नौसैनिक हेलीकॉप्टर्स भी इनमें शामिल हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के डिप्टी कमांडर मोहम्मद रजा फलाहजादेह ने अमेरिका को खुलेआम धमकी दी है। फलाहजादेह ने कहा कि जल्द ही अमेरिका से कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर की बढ़ती आशंका के बीच रोमानिया भी लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। रोमानिया अमेरिका से नौसैनिक स्ट्राइक मिसाइल खरीद रहा है। अमेरिका ने मिसाइल तटीय रक्षा प्रणालियों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तुर्की और UAE के बीच तनाव बढ़ गया है। तुर्की खुफिया विभाग ने UAE के लिए जासूसी करने के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जासूस ने तुर्की में प्रवासी अरब असंतुष्ट और पत्रकार के ग्रुपों में घुसपैठ की थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने साफ कर दिया कि उनका देश चीन के मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ लड़ता रहेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले चीन ने ट्रूडो सरकार को हांगकांग और शिनजियांग मामले पर बोलने को लेकर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।